हिमाचल प्रदेश के जिला बिलासपुर के विश्व विख्यात शक्ति पीठ श्री नैना देवी में घुमारवीं की तर्ज पर कोविड केयर सेंटर खोला जाना निहायत ही जरूरी है, क्योंकि पंजाब सीमा के साथ सटे इन पंचायतों नगर परिषद श्री नैना देवी के लोगों को कोविड केयर सेंटर घुमारवीं बहुत दूर पड़ता है। इससे तो पंजाब के समीपवर्ती क्षेत्र नजदीक है। क्षेत्र के बुद्धिजीवी लोगों ने सरकार के समक्ष आवाज बुलंद की है, क्योंकि आपातकाल में लोगों को नजदीक सुविधा मिलना जरूरी है। हालांकि गत दिवस जब श्री नैना देवी में स्थानीय निवासी महिला कमलेश कुमारी, जो कि कोविड पॉजिटिव थी, उन्हें दिक्कत आई तो उन्हें एम्बुलेंस न मिलने के कारण रात सीएचसी गबाड़ल में गुजारनी पड़ी। तो हमारा प्रशासन कितना सजग है, इसका उदाहरण आप नैना देवी सीएचसी गबाड़ल से ही लगा सकते हैं। एक ही एम्बुलेंस है जिसका ड्राइवर अभी तक नहीं आया, और कल रात भी एक पेशेंट है कमलेश शर्मा जिनका नाम है, कोविड मरीज है, वो पूरी रात यहाँ वेट करते रहे, 12 घंटों के बाद ही एम्बुलेंस आई। इसके साथ साथ जो कोविड डेडिकेटेड सेंटर है वो घुमारवीं में बना हुआ है। हमारे जो दुर्गम क्षेत्र है जैसे ग्वालथाई है, कनफारा है, माकड़ी है, और पंजाब से सटे हमारे जो एरिया तरसू है, बहल है, हमारे मजारी है, ये इतने दूर से लोगों को घुमारवीं जाना पड़ता है। इसलिए और सरकार के पास अभी भी कितने सिलेंडर है इसका भी कोई पता नहीं। सरकार से मांग करते हैं कि एक कोविड सेंटर नैना देवी में स्थापित किया जाए, जिससे लोगों को सहूलियत मिले, और इस एम्बुलेंस में ड्राइवर दिया जाए, क्योंकि कल भी जो मरीज़ यहाँ से अभी नेर चौक के लिए शिफ्ट किए गए, उनको पूरा 12 घंटे के बाद उनको एम्बुलेंस आई, और 108 पे भी एम्बुलेंस की कमी वहाँ देखी गई। और ये एम्बुलेंस जो है, ये इसको ड्राइवर चाहे होमगार्ड के जवान ही यहाँ पे नियुक्त कर दिया है, पिछली बार भी ऐसा हुआ था। उज्ज्वल हिमाचल के लिए बिलासपुर से सुरेंद्र जम्बाल। हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन।